सो फाइनली गाइज आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास वॉच 8 अल्ट्रा आप लोग देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सभी स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो को देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इसको कनेक्ट करने वाले हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, तो चलिए फटाक से हम लोग इस स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या कुछ हमें फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वॉच है S8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। आप लोग देख सकते हैं कुछ स्टेप्स इसका बॉक्स वगैरह हमें देखने को मिलता है। इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आपने उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो को देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं गाइस इसी में हमें दो स्मार्ट वॉच देखने को मिलती हैं S8 अल्ट्रा। इसमें हमें एक ऑरेंज कलर देखने को मिलता है एंड एक ब्लैक कलर देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करेंगे अपने स्मार्टफोन के थ्रू, तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ एप्लीकेशन का नाम है हाई वॉच, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइड में आपको शो भी हो रहा होगा हाई वॉच प्रो। मैं आपको स्क्रीन शॉट बता देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से हमें एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, ये वाला एप्लीकेशन है। तो फटाक से आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस एप्लीकेशन की लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तब फटाक से मैं भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो फटाक से हम लोग इसको इधर से ओपन कर लेते हैं एंड जो कुछ भी परमिशन है ये मांगता है इसको सारी परमिशन को अलाउ कर देते हैं इधर से हम लोग, और इधर से स्किप करने के बाद कुछ इस टाइप से हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। इधर पे सेटिंग में जाएंगे एंड इधर पे हम लोग जैसे ही टैप करेंगे तो हमारी स्मार्ट वॉच आ चुकी है T800 अल्ट्रा, आप लोग देख सकते हैं इसी का नाम S8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है। तो फटाक से हम लोग उसको पेयर कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, तो ये हमारी स्मार्ट वॉच ऑलमोस्ट हो चुकी है कम्प्लीट कनेक्ट। तो उधर पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको रेक्स टू वेक का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ वन बाई वन। अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं इधर से हम लोग, और नेक्स्ट फीचर मैं आपको बता देता हूँ, रिमाइंडर देखने को मिलता है। ये शटर कैमरा हम लोग इधर से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इधर पे जैसे ही टैप करेंगे तो हमारी स्मार्ट वॉच के थ्रू हम लोग इधर पे फोटो को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हम हमारी स्मार्ट वॉच के थ्रू फोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। एंड इधर से हम लोग उसको बैक करते हैं, फाइंड करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से पॉपअप हमें देखने को मिलता है। एंड इधर से हम लोग इसकी नोटिफिकेशन को अलाउ कर सकते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक जो कुछ भी हमें इसके नोटिफिकेशन हमारी स्मार्ट वॉच पे चाहिए। एंड इधर से हम लोग इसमें कॉन्टैक्ट वगैरह सेव कर सकते हैं। एंड डायल सेटिंग में हमें ये है मोस्ट यूजफुल, मतलब ये फीचर्स हमें देखने को मिलता है, मैं आपको वन बाई वन बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग इधर पर जैसे ही टैप करेंगे तो ये डायल सेटिंग इस तरह पर हमें लोडिंग देखने को मिलेगी, तो उसमें थोड़ी सी लोडिंग चलती है, तो इधर से हम लोग थोड़ा सा स्किप कर देते हैं वीडियो को। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारी लोडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। इधर से हमें इसमें कुछ वॉच स्टाइल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, आप लोग देख सकते हैं एनिमेशंस वगैरह एंड काफ़ी सारे वॉच स्टाइल हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग उधर पे टैप करेंगे तो अलग अलग प्रकार के हमें वॉच स्टाइल देखने को मिलेंगे, तो हम लोग इसमें एक कस्टम वॉच फेसेस लगा के देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग उधर पे टैप करेंगे इधर से गैलरी से हम लोग एक फ़ोटो इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं फटाक से, तो मैं एक फ़ोटो इसमें सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से हम हमारी स्मार्ट वॉच में एक पिक को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं इधर पे इस टाइप से एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नीचे डन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हम इधर से क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही हम लोग इधर पे टैप करेंगे तो लोडिंग चलेगी एंड डन करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस टाइप से हमें लोडिंग वगैरह देखने को मिली है। तो कुछ टाइम हम इसको वेट कर लेते हैं, तब तक ये लोडिंग पूरी हो जाती है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारी लोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है 95%, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ इस टाइप से हमें एप्लीकेशन का एनिमेशन वगैरह देखने को मिलता है एंड ये कुछ इस टाइप से हमारी वॉच स्टाइल हो चुकी है कम्प्लीट, तो देख सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट फीचर इधर से हम लोग उसको रीसेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एंड इधर से हम लोग उसको वाइब्रेशन वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं हमारी स्मार्ट वॉच को। तो उधर से हम लोग अभी इसको अपडेट नहीं करेंगे, इसको बैक कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद ये होम मेन्यू आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है और ये इसके स्पोर्ट्स मोड हैं।
तो वॉच आप लोग देख सकते हैं, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी सही है एंड वॉच फेसेस की क्वालिटी भी आपको काफ़ी सही देखने को मिलती है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इसके इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।